हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी जैन JVJN इंटर कॉलेज सहारनपुर से ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय में दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात हमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी वो इस प्रकार हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आज आप लवण के निर्माण में प्रयुक्त अम्ल एवं क्षारक की पहचान में सक्षम हो जाएंगे। लवणों की अम्लीय, क्षारकीय एवं उदासीन प्रकृति की समझ आप में विकसित हो जाएगी। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सामान्य लवणों के महत्व से भी आप परिचित हो जाएंगे। पूर्व अध्ययन। इस अध्याय के पूर्व व्याख्यान भाग 2 में हमने जाना था अम्लों एवं क्षारकों की धात्विक तथा अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, जलीय विलयन में अम्लों तथा क्षारकों द्वारा उत्पन्न आयन, pH स्केल, इसकी सहायता से अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता का मापन, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है, ये सब हमने पूर्व भाग में जाना था। आज हम जिन प्रमुख शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार हैं। लवण का निर्माण कैसे होता है, लवण परिवार क्या होता है, लवणों का pH, साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे कुछ लवणों का विस्तार से चर्चा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम शिक्षण बिंदु, लवणों का निर्माण कैसे होता है। अध्याय के पूर्व भाग में हम जान चुके हैं कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं, जब एक अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में जल के अणुओं का निर्माण भी होता है। तो हम जान चुके हैं अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं लवण परिवार। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। क्या बताया गया कि समान धन या ऋण मूलक वाले लवण एक ही परिवार के सदस्य कहलाते हैं। जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार के हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दोनों में ही सोडियम धन मूलक उपस्थित है, इसी कारण ये सोडियम लवण के परिवार के हैं। इसी प्रकार NaCl एवं KCl सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम क्लोराइड, आप देख सकते हैं दोनों में ही क्लोराइड ऋण मूलक उपस्थित है, इसी कारण ये क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम आगे समझते हैं। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ पर ये कुछ लवण हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये कुछ लवण हैं। हमें इनके क्या करने हैं, रासायनिक सूत्र लिखने हैं। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। इस क्रियाकलाप में जितने भी ये लवण उपस्थित हैं उनमें से कितने लवण परिवार हैं उनकी पहचान करनी है। तो चलिए हम इस सारणी के माध्यम से समझते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसमें प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और इसमें प्रयुक्त क्षारक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट, सोडियम यानी Na2, सल्फेट यानी SO4, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2SO4, जिसमें प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और प्रयुक्त क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, इसमें प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और प्रयुक्त क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र MgSO4 होता है, जिसमें प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा प्रयुक्त क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी में SO4 उपस्थित है। इस SO4 की उपस्थिति के कारण ही इन सब में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक ऐसे ही सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र NaCl, इसमें प्रयुक्त अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व प्रयुक्त क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसे सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है NaNO3, जिसमें नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक प्रयुक्त होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जिसमें कार्बोनिक अम्ल प्रयुक्त होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक प्रयुक्त होता है। ठीक इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अभी हम आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन कौन से लवण परिवार हैं जिनकी आप पहचान कर पाएंगे, तो आइए हम पहचान करते हैं। हम देखते हैं कि SO4 यहाँ तक जितने भी लवण हैं उन सब में SO4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी लवण सल्फेट परिवार के लवण हैं। जबकि NaCl NH4Cl दोनों में ही क्लोराइड उपस्थित है, इस कारण हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड परिवार के लवण हैं। ऐसे ही NaCl में सोडियम, NaNO3 में सोडियम और Na2CO3 में भी सोडियम है। ठीक इसी प्रकार सोडियम सल्फेट में भी सोडियम है, तो हम कह सकते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट व सोडियम कार्बोनेट, ये चारों सोडियम परिवार के लवण हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम सल्फेट लवण, सोडियम लवण, क्लोराइड लवण के परिवारों की पहचान कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक लवणों का पीएच। लवणों का पीएच इस अध्याय के पूर्व भाग भाग दो में हम जान चुके हैं कि यौगिक के पीएच मान से उनकी अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। प्रबल अम्लों का पीएच मान कम व प्रबल क्षारों का पीएच मान अधिक होता है। अध्याय के भाग दो में हमने यह जाना था कि पीएच की सहायता से किसी भी पदार्थ की अम्लीय, उदासीन या क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। कल हमने ये जाना था भाग दो में कि अम्लीय पदार्थों के पीएच मान 7 से कम होते हैं, उदासीन यौगिकों के पीएच मान 7 व क्षारीय यौगिकों के पीएच मान 7 से अधिक होते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप सभी जानते हैं, जिसे हम नमक कहते हैं, ये एक उदासीन लवण होता है। उदासीन प्रकृति के कारण ही हम इसे अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों आपने जाना कि सभी लवणों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। कुछ लवण अम्लीय प्रकृति के, कुछ लवण क्षारीय प्रकृति के तथा कुछ लवण उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं अगले शिक्षण बिंदु की ओर, जिसका नाम है साधारण नमक। साधारण नमक से आप सभी परिचित हैं, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यह एक उदासीन लवण होता है जो स्वाद में खारा होता है।
इसी कारण इसका उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। अभी आपको बताया गया कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो इनकी परस्पर अभिक्रिया से हमें एक सोडियम क्लोराइड नामक लवण प्राप्त होता है। इसी लवण को हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं, जो स्वाद में खारा होता है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में से मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र के कुछ हिस्सों के सूख जाने के कारण विश्व के अनेक भागों में ठोस नमक के भंडार विद्यमान हैं। अपद्रव्यों यानी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह भूरे रंग के बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। इसे खनिज नमक कहते हैं। खनिज नमक का खनन कोयले की तरह होता है। आप सभी जानते हैं कि हम नमक को बनाते नहीं बल्कि नमक को समुद्र से प्राप्त करते हैं। समुद्र हमारा बहुत सारे लवणों का भंडार है, उसमें से मुख्य रूप से इसी सोडियम क्लोराइड को प्राप्त किया जाता है। युगों के व्यतीत होने से समुद्री जल के या समुद्र के कुछ हिस्से सूख गए और उनके सूखने के कारण नमक के बड़े बड़े भंडार विश्व के अंदर उपस्थित हैं। इस नमक में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण वह नमक हमें भूरे रंग की बड़ी बड़ी चट्टानों, बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में मिलता है और हम इनका खनन खनिजों की तरह ही करते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। बच्चों, गांधी जी की दांडी यात्रा से हम सभी परिचित हैं, जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नमक कानून तोड़ने से संबंधित है। तो गांधी जी की महत्वपूर्ण दांडी यात्रा इसी नमक कानून तोड़ने के लिए हुई थी। साधारण नमक का उपयोग भोजन के साथ साथ हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। यानी साधारण नमक को हम बहुत सारे अन्य पदार्थों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं अगला शिक्षण बिंदु, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक बहुत सारे पदार्थों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है होते हैं। अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसके साथ हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति भी होती है। इस प्रक्रिया का नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए है, अभी आपको बताया, क्योंकि इस प्रक्रिया में हमें क्लोरीन यानी क्लोर तथा क्षार NaOH प्राप्त होता है। इसलिए NaOH को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया का नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया है। आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं, यहाँ पर एक विद्युत अपघटनी सेल लिया गया है जिसमें नमक का घोल यानी लवण जल लिया गया है। एनोड एवं कैथोड की सहायता से जब नमक के इस घोल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हमें क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस व NaOH प्राप्त होता है, जो अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। क्लोरीन का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक CFC आदि के लिए किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। NaOH का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो हमने जाना कि क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से प्रयोगशाला में क्षारक के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं नए शिक्षण बिंदु विरंजक शून्य, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अभी हमने जाना कि जब सोडियम क्लोराइड लवण जल का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जब हम इस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे चूने के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो हमें एक क्लोरीन की गंध वाला सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। इसी पाउडर को हम विरंजक शून्य या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आपको बताया, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से हमें विरंजक शून्य यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, जो एक सफ़ेद रंग का क्लोरीन की तीव्र गंध वाला अकार्बनिक यौगिक होता है। इस विरंजक शून्य के क्या उपयोग होते हैं? विरंजक शून्य का उपयोग सूती वस्त्रों एवं लिनेन के वस्त्रों के विरंजन में वस्त्र उद्योग में किया जाता है। साथ ही कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा यानी जो पल्प होता है उसके विरंजन में करते हैं, और लाउंड्री में कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। जब जल के अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण डालते हैं तो जल के साथ यह अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसी क्लोरीन गैस की उपस्थिति के कारण जल के अंदर उपस्थित जीवाणु रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार विरंजक चूर्ण का उपयोग विभिन्न रासायनिक उद्योगों में उपचायक यानी ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो हमने जाना विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग होते हैं। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडे से आप सभी परिचित हैं। हम अपने घरों में बेकिंग सोडे का उपयोग स्वादिष्ट पकौड़ी, खस्ता आदि बनाने में और साथ ही साथ कुछ खाद्य पदार्थों के जल्दी पकने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, घरों में चने, राजमा, छोलों को जब बनाते हैं तो उससे पहले हम उनको बेकिंग सोडे में भिगोकर छोड़ देते हैं। तो बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। इसके निर्माण में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 व NH3 कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो इनकी परस्पर अभिक्रिया से अमोनियम क्लोराइड व बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो क्या बताया आपको, नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर हमें बेकिंग सोडा विलयन प्राप्त होता है, जिसका सांद्रण करने पर हमें एक सफ़ेद रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। इसी को हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। इसका जलीय विलयन असंक्षारक क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अम्ल को उदासीन करने में प्रयुक्त किया जाता है। भोजन पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, यानी जब हम भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाते समय इस बेकिंग सोडे को क्या होता है, यह ताप के प्रभाव से सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ इस रासायनिक समीकरण में देख सकते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया में CO2 गैस भी मुक्त होती है। बेकिंग सोडे का क्या उपयोग होता है? जब बेकिंग सोडे को भोजन में मिलाकर गर्म किया जाता है या इसमें जल मिलाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है। इसी CO2 गैस के कारण खाद्य पदार्थ फूलकर स्पंजी व मुलायम हो जाते हैं, जैसे पाव रोटी। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल से प्राप्त अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। इसी CO2 गैस के कारण क्या होता है, पाव रोटी, केक आदि फूलकर मुलायम एवं स्पंजी
हो जाता है। इसका दूसरा उपयोग क्या है? इसका उपयोग एंटासिड्स के एक संघटक के रूप में किया जाता है, यानी जब उदर में अम्लता एसिडिटी हो जाती है तो हम उसे बेकिंग सोडा विलयन लेने की सलाह देते हैं। यानी बेकिंग सोडा विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है जो पेट के अंदर उस अम्लता को शांत कर देता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जब बेकिंग सोडा अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस निष्कासित होती है और इस CO2 गैस का ही उपयोग हम आग बुझाने में करते हैं। आप यहाँ समीकरण में देख सकते हैं कि जब ये बेकिंग सोडा अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस निकलती है। इसी CO2 गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं एक नए शिक्षण बिंदु, धोने का सोडा या धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3×10H2O। अभी हमने जाना कि बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। जब सोडियम कार्बोनेट जल से अभिक्रिया करता है तो धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा में उपस्थित 10H2O क्रिस्टलन जल को दर्शाते हैं। लवण के एक इकाई सूत्र के जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कि बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जिनके साथ जल के अणु जुड़े होते हैं। यौगिकों के साथ जुड़े हुए इन जल के अणुओं को क्रिस्टलन जल का अणु कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4×5H2O में 5 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। तो सूत्र इकाई में, यौगिक के सूत्र इकाई में उपस्थित निश्चित जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। धोने के सोडे का क्या उपयोग होता है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, सोडियम के यौगिक बोरेक्स के निर्माण में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में एवं इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसी कारण हम इसे धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब हम बात करते हैं नए शिक्षण बिंदु प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4×12H2O होता है। बच्चों, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, हाफ यानी आधे को हम हैमी या सेमी बोलते हैं और H2O को हाइड्रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ यौगिकों के साथ जल के अणु जुड़े होते हैं, तो ठीक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक ऐसा ही यौगिक है जिसके साथ आधा जल का अणु इकाई सूत्र में जुड़ा रहता है। यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण पदार्थ होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। क्या बताया आपको? जिप्सम एक कैल्शियम का यौगिक होता है। जब इस जिप्सम को हम क्या करते हैं, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपने अंदर से कुछ जल के अणुओं का त्याग कर देता है और एक सफ़ेद रंग के पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बच्चों, क्योंकि यौगिकों के अंदर आधा जल के अणु का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CaSO4×2H2O। यानी जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल का अणु। यानी नीचे वाली अभिक्रिया ऊपर वाली अभिक्रिया की दो गुनी हो जाती है और यहाँ पर ये आधे जल का अणु एक बन जाता है दुगुना होकर और डेढ़ जल के अणु दो गुने होकर 3 बन जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई भी आधा अणु उपस्थित नहीं है। तो हम अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
इसमें जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है, यानी कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो ये अत्यंत कठोर हो जाता है और पुनः हमें जिप्सम दे देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर हमें पुनः जिप्सम प्राप्त हो जाता है, जो कि एक ठोस पदार्थ होता है। उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। आप देखते हैं कि जब किसी भी दुर्घटना में कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टरों के द्वारा उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। यह प्लास्टर इसी POP का होता है। तो POP का उपयोग हम क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाने में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है इसका उपयोग। ठीक इसी प्रकार से इसका उपयोग मूर्तियों, खिलौनों, आप देख रहे हैं ये POP के बनाए हुए खिलौने हैं, दीवारों व छतों पर डिजाइन बनाने में भी किया जाता है। आपने घरों की दीवारों व छतों पर POP से बने हुए डिजाइन जरूर देखे होंगे, तो वो सभी डिजाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से निर्मित लवण उदासीन होते हैं, जैसे साधारण नमक। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवणों के कई उपयोग होते हैं। अभी हमने बहुत सारे उपयोगों के बारे में जाना। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो आज आपको जो पढ़ाया गया है उसी से संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। इस पढ़ाए हुए अध्याय से संबंधित गृह कार्य आप स्वयं करके देखेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर एक है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि क्या है, विरंजक चूर्ण का नाम है। आप इसे पढ़ेंगे और इसको आप लिख कर देखेंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? आपको याद हो अभी हमने पढ़ाया था सोडियम कार्बोनेट का उपयोग स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जब मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, और हमने इसको एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से जाना था। तो आपको यहाँ पर उसी रासायनिक समीकरण को लिखना है। तो बच्चों, आज हम इस भाग 3 को समाप्त करते हैं, और इस भाग 3 के साथ ही हमारा ये अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।